नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। 3 फरवरी को चमोली जिले के पोखरी बाजार में एक ज्वेलर्स की दुकान पर हुई चोरी का थाना पोखरी पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद नेपाली मूल के एक चोर को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी में शामिल अन्य 3 अभियुक्त फरार चल रहे हैं। बताते चले कि 3 फरवरी को पोखरी बाजार में एक ज्वेलर्स की दुकान में रात के समय हुई चोरी में अज्ञात के खिलाफ दुकान स्वामी भूषण शाह द्वारा थाना पोखरी में तहरीर दी गई थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने पुलिस क्षेत्राधिकारी विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण में थाना अध्यक्ष ध्वजवीर सिंह पवार के नेतृत्व में चोरी जैसे संगीन अपराध का शीघ्र अनावरण करने के निर्देश दिए थे। थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने अभियोग में त्वरित निस्तारण के लिए अज्ञात अभियुक्त की धरपकड़ के लिए CCTV फुटेजों और सर्विलांस की मदद से आज चोरी में शामिल एक अभियुक्त मदन बहादुर शाही को पोखरी गोपेश्वर मोटर मार्ग पर गजेड़ गांव के समीप गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में उसने अपने 3 और साथियों को चोरी में शामिल होने की बात कही। वह अभी फरार चल रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया गया। थाना अध्यक्ष ध्वजवीर सिंह पवार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि चोरी का अभियुक्त पोखरी विकास खंड में पोखरी गोपेश्वर सड़क निर्माण में मजदूर है। उसे गजेड़ गांव के समीप गिरफ्तार किया गया। वह चोरी में उसने 3 और नेपाली मूल के लोगों का होना बताया है, जो अभी फरार चल रहे हैं। बताया कि अभियुक्त के पास से 5 जोड़ी सफेद धातु की पायल बरामद की गई है, जिनकी कीमत करीब 22,000 रुपए है। 3 अन्य फरार अभियुक्तों में तपेंद्र शाही, एपिन बहादुर व अनिल बहादुर सभी नेपाल निवासी हैं। चोरी का खुलासा और गिरफ्तारी करने में पुलिस उप निरीक्षक अमित नौटियाल, कांस्टेबल मनोज सुंदरियाल, तारा सिंह सहित सर्विलांस की टीम से कांस्टेबल चंदन नगर कोटी एवं राजेंद्र शामिल थे। न्यूज 9 भारत के लिए सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट।